लखीमपुर खीरी से एक महिला विधायक का ऑडियो एक बार फिर वायरल हो गया है, जिसमें महिला विधायक इंस्पेक्टर विद्याराम को जूता फेंककर मारने की धमकी देती हुई सुनाई दे रही हैं। आप भी सुनिए यह ऑडियो। नमस्कार, कहाँ हो? मैं ततारपुर। अच्छा, कहाँ है? वो ही आए थे 23 में। विवेचना में ये कह रहे थे जी, ये बसहा और राजापुर का जो मैटर है, वो बूढ़ा वाला जरा इसको तुम जानते नहीं होगे ना, अभी ये कर दोगे कि हमको पता नहीं। राजापुर वाला, राजापुर और ये बसहा वाला जो मैटर है, सुसैया का विश्वनाथ जी जिसमें है इन्वॉल्व, सुसैया वाला। हाँ, सुसैया वाला जो आज वो संजय है वो तो नहीं है जो महिला झगड़ा हुआ था? तुम पागल के पागल है नहीं हो का? ये जूता निकाल के मैं पे चलावे का है? तुम हमसे पूछते रहते कि ये कौन सा मैटर है कौन सा नहीं। देखो ऐसा ना, आपने शब्द क्या कहा मुझसे, अभी ये बता दो पहले। दिवाकर तुम क्यों नहीं सोचते? मैं आपसे कितनी उम्र बड़ा हूँ? नहीं बड़े हो तो क्या है, कुछ तुम्हें मालूम नहीं? आप पहले भाषा अपनी सही करो पहले, हम ये ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी हटवा दूं, मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है। हाँ, चलो, मुझसे दिवाकर ये तुम बताओ जी, तुम हमसे मतलब हमारी बेइज्जती करवा के तुम सही रह पाओगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा ना, आज तक अभी लाइव में 29 साल नौकरी हो गई है मेरी बेटी। आपने ये शब्द मेरे बाप ने भी नहीं कहा होगा। सुनो पहले मैडम, ये शब्द मेरे बाप ने भी कहा होगा। ये हमने तुमसे कहा है कि तुम्हारे प्रकरण में विश्वनाथ जी वाला, तुमने कहा कौन सा वाला, तुमको इतना नहीं नहीं। आपने पहले मैं आपने सब सुना दूंगा कि क्या क्या आपने सब तक आप सुन लेना। क्या आपने किसी से कोई छिया वाला कह रहा है, कोई राजापुर वाला कह रहा है, कोई बसा वाला कह रहा है? आप उससे ये आप से बात नहीं कर रही थी। नहीं सुनो, वो मैं आपस में बात कर रही थी, वो तुमसे बात नहीं कर रही थी। वो तुम जो सुने हो वो तुम्हारा मतलब नहीं था। दिवाकर मेरी बात सुनो जी, ठीक है ना? मैं पब्लिक को अगर कह रही हूँ कुछ तो तुमको अगर तुम्हारे सामने, तो तुम अपने पे क्यों ला रहे हो ये पहले बताओ। नहीं पब्लिक, आप मेरे लिए कहा है शब्द, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज को। तुमसे कह रही थी कि कल फैसला ये हो, आदमी 50 आदमी हमको सुबह से घेरे हैं, और उसके मतलब ये एक बुढ़ी औरत के लिए तुम इतना नहीं कर पा रहे हो। आपने विश्वास अपने पास बुलाया था कि हम फैसला करें उसे जगदीश को। आप मेरी बात सुनो ठीक, मैं अगर किसी को कह रही हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग की धमकी मुझे मत दो। अगर तुम्हारे पास जो नहीं होगा, मैं अगर भी खड़ी हो जाऊँ तो 51% आदमी विधानसभा का खड़े होगा मेरे पास। हाँ तो खड़े होंगे, आप विधायक हो तो खड़े होंगे, हमारे पास थोड़े खड़े होंगे। मेरी बात सुन लो, तुमको मैं 20 बार समझा चुकी, मुझे अगर तुम्हारे क्षेत्र का मैटर मुझे समझाना पड़े तो तुम क्या कर रहे हो आप बताइए ना मुझे। आप फैसला जिम्मेदारी आप ले लीजिए। ये बताओ तुम अभी तक अपने एरिए का ये नहीं जान पाए हो कि किस का विधायक काम करवा रही, किसका नहीं काम करवा रही? विधायक जी का भी तुम्हें पता होना चाहिए, लोकल विधायक सभी आदमी होते हैं। दिवाकर मेरी बात सुनो ठीक है, मैं और कुछ नहीं जानती, मैं सही का काम करती हूँ, सही का ही साथ देती हूँ। मैं ना दो नंबर का काम करती हूँ, ना चार नंबर का काम करती हूँ। इससे तुम्हें जनता का काम करना पड़ेगा, कहीं भी रहोगे उत्तर प्रदेश में, कहीं भी रहोगे जनता का काम और सरकार का करना पड़ेगा। सरकार हमारी हो या किसी की भी हो, ठीक ये मेंटेलिटी दिमाग में डाल लेना। बूढ़े हो इसका मतलब ये नहीं हो कि तुम सरकार का काम नहीं करोगे, और या हम बच्चे हैं तुम सरकार का काम नहीं करेंगे। तो मेरे, तो मेरे सरकार का खा रहे हो इसलिए सरकार का काम करोगे। तो आप थोड़ी भाषा कभी सही करो पहले, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी भाषा सही कर लो। कल को जाओ, लेकिन हमें इसलिए मतलब नहीं है। लेकिन जो काम कर रही हो दरवाजे पर, तुम्हारे वहाँ की 50 आदमी हमारे पास खड़े होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ठीक, सही से काम नहीं कर पा रहे इसलिए चार लोग हमारे दरवाजे खड़े हैं तुम्हारे वहाँ। वो तो आएंगे, वो तो पैसे ही आएंगे, आपके पास ना काम हो तब भी आएंगे, काम हो तब भी आएंगे। और मुझे मतलब धमकी देने की कोशिश मत करना आइंदा से। तो धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं, तो मुझसे मैं डरती नहीं हूँ, और मैं जनपद में कोई गलत काम करती नहीं, और जनपद की एकमात्र ऐसी महिला विधायक है जो कभी गलत काम नहीं करती और किसी से डरती नहीं। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन भाषा अपनी सही बोलो, भाषा ऐसी मत बोलना कभी किसी के लिए। करो तुम हमारी विधायक, ऐसा तुम्हें कभी जीवन में मिला नहीं होगा। मैं ऐसी ऐसी भाषा नहीं सुनना चाहता, मैं ऐसी नौकरी करता हूँ ठीक है। तो तुम नौकरी अपनी करो, हमारी विधानसभा से जाओ अपना आराम से करो जाके। हाँ, पक्का बिल्कुल बिल्कुल, मैं 50 बार तुमको टोकूंगी और कहूंगी भी। नहीं आप काम बताइए कि 10 बार कहिएगा वो काम जो सरकार ने तुम्हारे पे दिया है। नहीं नहीं जो लेकिन अभी ये तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या है। आप 10 बार कहिए लेकिन भाषा सही करके। भाषा कोई मतलब नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो, तो हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश ना करो। मैं सुनने के लिए नहीं पहुंचूंगा मैं आपकी।
तो हमारे बदतमीज था वर्मा जी को इसलिए कहा था कि आपने मन का लाए ना कि वहाँ कोई अच्छा इंसान हो और इसलिए तुम्हें लाए थे, लेकिन तुम उससे खड़े तो खड़े बिल्कुल एक चवन्नी का पैसा नहीं काम कर रहे हो। चलो ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास वही है कि बातें कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, कौन सी विधायक ने बात बताई है उसको फिर सफाई दे, फिर तुम्हें विधायक बताए कि कहाँ से कहाँ क्या हुआ, फिर तुम जानोगे, क्योंकि तुम्हें कोतवाली से तो निकलना नहीं है, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, तुम मीटिंग की बात कोतवाली के बाहर निकलते नहीं हो, तुम जानोगे क्या क्षेत्र के बारे में। अच्छा आप मालूम है नहीं निकलते हैं। जो अपनी भाषा अपने पास रखना और दिमाग सही करके काम करना। नहीं नहीं जो लेकिन अभी ये तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या है। आप 10 बार कहिए लेकिन भाषा सही करके। भाषा कोई मतलब नहीं, तुम हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश ना करो। मैं सुनने के लिए नहीं पोस्ट हुआ आपकी, तो हमारे बदतमीज था वर्मा जी को इसलिए कहा था कि आपने मन का लाए ना कि वहाँ कोई अच्छा इंसान हो और इसलिए तुम्हें लाए थे, लेकिन तुम उससे खड़े तो खड़े बिल्कुल एक चवन्नी का पैसा नहीं काम कर रहे हो। चलो ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास वही है कि बातें कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, कौन सी विधायक ने बात बताई है उसको फिर सफाई दे, फिर तुम्हें विधायक बताए कि कहाँ से कहाँ क्या हुआ, फिर तुम जानोगे, क्योंकि तुम्हें कोतवाली से तो निकलना नहीं है, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, तुम मीटिंग की बात कोतवाली के बाहर निकलते नहीं हो, तुम जानोगे क्या क्षेत्र के बारे में। अच्छा आप मालूम है नहीं निकलते हैं। जो अपनी भाषा अपने पास रखना और दिमाग सही करके काम करना। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।